नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 जनवरी 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोशल मीडिया की अफवाह से सावधान रहिए। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। हमने दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया है, जहाँ से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्त इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि परीक्षा को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, पहले दोस्त आप देख सकते हैं कि योगी जी ने क्या कहा है कि यूपी टेट के लिए सभी विभाग मिलकर करें पुख्ता इंतजाम। तो दोस्तों पहली अपडेट यहां पर यह देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए अगली अपडेट में हम बात करें तो और क्या दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है, इसको जरा हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी टेट की आज में जुलती जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे कि मामला क्या है आखिर और ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब नई भर्तियों का इंतजार भी बढ़ चुका है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे, कोई भी अपडेट आज आपसे छूटेगी नहीं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि नए भर्ती की भी अपडेट आपको चाहिए। उसके बाद यूपी टेट जनवरी को होने वाली यूपी टेट परीक्षा को लेकर यूपी सरकार अब सतर्क है। जी हाँ दोस्तों, मामला क्या है इस वीडियो में अभी देखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यूपी टेट के लिए हर केंद्र पर बनेगी कोविड हेल्प डेस्क, समीक्षा बैठक दोस्तों आज होनी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक और बड़ा सवाल था। कुछ ऐसे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या हम पेपर दे पाएंगे या हम नहीं पहुंच पाते पेपर तक, तो क्या होगा हमारा। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आप परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचेंगे तो आपका पेपर छूट ही जाएगा, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए गाइस, शिक्षक भर्ती में अगर आपको लगता है कि आपको मौका चाहिए मतलब, तो आपको भैया टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आपने सी टेट का पेपर दिया है, लगता है कि आप क्लियर कर लेंगे, तो यूपी टेट दे ना दे उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप सी टेट परीक्षा दिए हैं और सी टेट में अगर आप फेल हो गए, तो भैया आपको यूपी टेट पास करना बेहद जरूरी है। उसके बाद दोस्तों देखिए अगली अपडेट में बात करेंगे कुछ और अपडेट। तो पहले दोस्तों हमारे देश में क्या ट्रेंड कर रहा है इसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ट्रेंडिंग इन इंडिया आरआरबी एनटीपीसी स्कैम, 283,000 से ज्यादा बच्चों ने इस पर ट्वीट किया। देखिए दोस्तों कितना बड़ा स्कैम है, जो कि कितना बड़ा फ्रॉड है, जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं भैया, योगी जी की फोटो तो दिख रही होगी कि 23 जनवरी को होने वाली टीईटी परीक्षा को लेकर यूपी सरकार सतर्क है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगली अपडेट में, तो देखिए क्या अपडेट आ रही है इसको जरा देखते हैं। देखिए गाइस, इस समय अपडेट का दौर लगातार जारी है, कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड हेल्प डेस्क वाली जो बात थी, ये भी हमने आपके सामने रखी। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे, तो कोरोना केसेस की बात करें, 24 घंटे में हमारे देश में 2,22,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने और 302 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कितने लोगों की जान जा रही है, 302 लोग, नंबर बहुत ही ज्यादा है। और देखिए दोस्तों लगातार क्या हो रहा है ना, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। आप ये मत देखिए क्या 1 लाख केस 2 लाख, लेकिन आप ये समझिए कि 17,37,176 मामले एक्टिव है, मतलब अभी तक इनके बीच में संक्रमण है। तो दोस्तों ये संख्या जब बढ़ती जाएगी तो बहुत ही बड़ा नंबर है गाइस ये, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। बाकी जो भी अलग से अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप लोग सतर्क रहिएगा। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो खुद की सुरक्षा खुद ही करना, ये मत सोचिएगा दोस्तों सरकार ही बचाने आएगी आपको बार बार। उसके बाद दोस्तों बात करें अगली अपडेट में, तो देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था, कुछ दिन क्या एक दिन पहले ही, कि क्या यूपी टेट 2022 की परीक्षा स्थगित होनी चाहिए। 7,200 बच्चों ने वोट किया और आप यहां पर देख सकते हैं कि हाँ पेपर को पोस्टपोन करना चाहिए, उसमें संख्या ज्यादा आ रही है, नहीं में 240% बच्चे हैं। तो देखिए दोस्तों, दो तरह के बच्चे हैं भैया, जिनकी तो तैयारी पूरी हो गई है तो वो बच्चे अब चाहते हैं कि पेपर किसी भी हालत में हो जाए, और कुछ ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी लगता है कि अभी थोड़ा और तैयार कर सकते हैं, वो बच्चे चाहते होंगे पेपर पोस्टपोन हो जाए। दूसरी वजह कोरोना भी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ बच्चों का सेंटर दूसरे जिलों में भी गया होगा, देखिए सभी बच्चों का सेंटर सेम जिले में नहीं होता, पेपर काफी लंबे समय बाद हो रहा है, 28 नवंबर को पहले रद्द हुआ था, तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं दूर घूमने चले गए होंगे या कहीं और तैयारी कर रहे होंगे और उनका सेंटर किसी और जिले में होगा, तो उसी वजह से उन बच्चों को फिर वहां तक पहुंचना पड़ेगा। देखिए ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी एक अच्छी बात है दोस्तों कि यूपी सरकार ने भैया आपके लिए फ्री में बस की सुविधा दी है, तो आप उसका फायदा उठाइएगा। अब उसमें लिखा है तो फिर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी अलग से अपडेट आती रहेगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जरा समझ लीजिए सुपर टेट या शिक्षक भर्ती का नियम क्या है। देखिए सुपर टेट का अगर आप नियम समझेंगे तब तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
आपको नौकरी कैसे मिलेगी, आप ये समझिए सुपर टेट से क्या आपको नौकरी मिल जाती है? जी नहीं दोस्तों, सुपर टेट से आपको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती है दोस्तों आपके एकेडमी के 40% नंबर से प्लस सुपर टेट के 60%। आप ये कहिए कि सुपर टेट अकेले आपको नौकरी दिलाते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। जब तक 40% एकेडमिक, 40 में से अगर दोस्तों देखिए अगर आपके 30 नंबर मेरिट यहाँ से बन जाती है और 60 में से यहाँ से दोस्तों अगर आप 40 या 50 तक भी पहुँच जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस हिसाब से दोस्तों एकेडमिक और नंबर जो मेरिट बनती है उस हिसाब से नंबर जोड़ जाकर मेरिट बनती है तब जाकर आपको नौकरी मिलती है। सिर्फ सुपर टेट से नौकरी नहीं मिलती। कुछ बच्चों को लगता होगा यार सुपर टेट की परीक्षा पास कर ले नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों यूपी टेट में परीक्षा की पासिंग मार्क कितने इसको जरा देख लीजिए आप लोग। देखिए अगर आप यूपी टेट में जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको भैया पास होने के लिए 90 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी छात्र हैं ना तब भी आपको पास होने के लिए 90 नंबर ही लाना है, ठीक है। कोई छूट आपको अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं या एससी कैटेगरी के छात्र हैं या एसटी कैटेगरी के छात्र हैं या फिजिकल हैंडीकैप है तो दोस्तों आप लोगों को पास होने के लिए 82 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों अंतर आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी में, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप में कितना अंतर है, ये 8 नंबर का अंतर होता है। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें सुपर टेट में पासिंग, ये दोस्तों जो हम आपके सामने पासिंग रख रहे हैं ये दोस्तों सी टेट में भी काम कर जाएगा और यूपी टेट में भी, ठीक है। लेकिन अभी देखिए सी टेट का पेपर इस बार ऑनलाइन मोड से हुआ है, नॉर्मलाइजेशन अभी आपको देखने को मिलेगा। कुछ बच्चों के नंबर बढ़ जाएंगे, कुछ बच्चों के नंबर घट जाएंगे तो काफी विवाद होने वाला है, ठीक है। या तो सी टेट एक ही काम करे कि भैया किसी बच्चे के नंबर घटाए नहीं सबके बढ़ा दे तो बच्चे उसमें खुश रहेंगे, ये काम होगा तो बेहतर है, नंबर किसी के घटने नहीं चाहिए, ठीक है। होता क्या है काफी बार बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आके पता चले 90 नंबर करके सही आए, एक नंबर घट गया कहानी खत्म, ठीक है। कहानी खत्म का मतलब हो गया फेल। देखिए दोस्तों सभी एक एक नंबर की वैल्यू आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से अगर कभी आप मिलेंगे ना तो वो एक एक नंबर की वैल्यू जानते हैं कि एक नंबर क्या होता है। देखिए आपको बता दें जनरल कैटेगरी में पासिंग मार्क शिक्षक भर्ती में सुपर टेट में 97 नंबर रखे गए। जनरल में कुछ ऐसे बच्चे थे बेचारे जो 95 नंबर 96 नंबर पा पाकर फेल हो गए, तो उन बच्चों से पूछिए यार एक नंबर की वैल्यू क्या होती है, दो नंबर की वैल्यू क्या होती है, और काफी विवादित प्रश्न भी थे। उसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में 90 नंबर पासिंग थी। बहुत से बच्चे दोस्तों 88 नंबर 89 नंबर पाकर लटके रहे लेकिन एक नंबर उनका बढ़ा नहीं। तो उन बच्चों से दोस्तों जब आप मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया एक नंबर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा, लापरवाही नहीं करनी है। परीक्षा पोस्टपोन होगी कि नहीं अब इसका फैसला दोस्त एक दो दिन पहले ही होगा, लेकिन ये मान के चलिए अब 100% परीक्षा होगी, ठीक है। सरकार दोस्तों सतर्क है तो मतलब साफ है भैया, जब सरकार कह रही है कि पेपर होगा तो पेपर होगा। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखिए इस समय कोरोना के मामले, एक बात आप समझ लीजिए पहले कि पेपर पोस्टपोन क्यों नहीं हो सकता या कैंसिल क्यों नहीं हो सकता। आप पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखते हो कि 2 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, कल को अगर पेपर स्थगित हो जाए तो सभी लोग यही कहेंगे भैया चुनाव को नहीं पोस्टपोन किया जा रहा, जानबूझकर पेपर को पोस्टपोन किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों अगर चुनाव नहीं होता तो एक बार दोस्तों पेपर को पोस्टपोन किया जा सकता था, लेकिन चुनाव का समय है तो पेपर पोस्टपोन उम्मीद काफी कम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहिए, घर में रहिए, सतर्क रहिए और तबीयत तबीयत खराब ना हो, ठंड का मौसम भी है, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ से आपको बच के रहना है, ठीक है। और मामला दोस्तों काफी ज्यादा गंभीर है, 2,22,000 केसेस, मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी जो भी इसकी अलग से ऑफिशियल अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। परीक्षा रद्द को लेकर अगर कोई भी खबर निकल कर आएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको दोस्तों बता दें जैसे ही दोस्तों यूपी टेट का रिजल्ट या आंसर की आएगी या पेपर होगा उसका जो प्रश्न पत्र हल है आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके अपडेट भी जरा देख लेते हैं। नई भर्तियों का इंतजार, कोरोना प्रकोप के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में व्यापक भर्तियां निकाली है। हर भर्ती को समयबद्ध तरीके से पूरा कराकर उसका अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया है। इसमें काफी भर्तियां ऐसी है जिनमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद खाली रह गए। खाली पदों को भरने के लिए प्रतियोगी नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं जो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। तो दोस्त ये अलग अलग अपडेट है आप देख सकते हैं, उसके बाद देखिए अगली अपडेट में बात करें हम लोग। तो इस अपडेट को जरा देखते हैं कि यूपी टेट, ठीक है, क्या इंतजाम हो रहा है।
लखनऊ से अपडेट आई कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 23 जनवरी को होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित विभागों से मिलकर पुख्ता तैयारियां करें। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन हो, सभी जिलों को के हर केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर की उपलब्धता होनी चाहिए। यूपीटेट 2 पालियों में होनी है। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 12,91,628 और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8,73,553 सहित कुल 21,65,181 परीक्षार्थी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भैया कितने ज़्यादा बच्चे पेपर में सम्मिलित होने हैं। और एक बात बता दें, एक छोटी सी लापरवाही दोस्तों बड़ी भारी पड़ सकती है। यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रयागराज से क्या अपडेट आ रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP ने शुरू तो कराई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वह अटक गई। PNP ने इसकी परीक्षा कराने के बाद 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित किया था। इसके 13 दिन बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET प्रस्तावित थी, जिसे कराने की तैयारी में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों की सूची कहीं पीछे रह गई और UPTET परीक्षा लीक होने के कारण नहीं हो सकी। UPTET का प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। पुष्टि होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इसे विपक्षियों ने मुद्दा बनाया, जिससे सरकार पर भी प्रश्न उठे। परीक्षा रद्द होने की जांच STF ने शुरू की। PNP के तत्कालीन सचिव भी जांच के घेरे में आ गए। तो दोस्त ये पूरा मामला था। चलिए जो भी अपडेट निकल कर आएगी अलग अलग अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्त आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। अब आपका जो सवाल था कि क्या परीक्षा रद्द हो पाएगी नहीं होगी, उसकी अपडेट दोस्त हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया एडमिट कार्ड का, पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो हमें ठीक है, फिर मिलते हैं।